Assalamualaikum guys, मैं अब्दुल्ला खान अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से टुडे वी आर स्टैंडिंग इन प्रेसेंट 7। यू कैन सी ये जो प्रेसेंट है बेरी टाउन के अंदर, ये वो पहला प्रेसेंट है जिसके अंदर 1000 गज की कटिंग है, 1000 गज के प्लॉट, 2 कनाल के, और ये इस पूरे प्रेसेंट में सिर्फ एक ही कैटेगरी के प्लॉट हैं और इट्स अ बिग बिग प्रेसेंट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हाइट्स है, मेरे लेफ्ट पर बहरिया हिल्स, मेरे एग्जैक्टली इस साइड पर मिडवे कमर्शियल और उस तरफ ग्रैंड जामे मॉस्क, और वेरी गुड लोकेशन, बड़ी अच्छी मज़ेदार लोकेशन पर यह है। 1% 7 और 1% 17 ऐसे प्रेसेंट हैं जिनमें आपको 1000 गज की कटिंग मिलेगी स्टार्ट में, और ये दोनों हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं 1000 गज के लिए। बाकी थोड़ा सा फिरते हैं, इसकी बेहतर, इसकी मिडोकर और इसकी बुरी लोकेशन, यू कैन से ऐसे कर लें बाउंड्रीज, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। जी प्रेसेंट 7, हम प्रेसेंट 7 के इस वक्त बिल्कुल आखिरी किनारे पर मौजूद हैं जहाँ पर बाउंड्री वॉल है, जहाँ पर बैरियर टाउन ख़त्म हो जाता है, और इस वीडियो को हम पीछे से शुरू करेंगे, यहाँ से बॉर्डर से और आगे की तरफ चलेंगे। प्रेसेंट 7 गेट से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, बैरियर हाइट्स के बिल्कुल सामने, और इसकी जो डायमेंशनस हैं ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा और 0.5 किलोमीटर चौड़ा प्रेसेंट है। 437 प्लॉट हैं टोटल इसके अंदर, और इस बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या गहराई या ऊंची जगह नहीं है इसमें, कंपैरेटिवली एक इवन प्रेसेंट है ये, और इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा संभलना नहीं पड़ता आपको कोई चीज़ ख़रीदते हो यहाँ पे। हाँ, आपकी मर्ज़ी की लोकेशन ज़रूर देखें जाकर खड़े होकर के what you like the most, और comparatively अगर मैं प्रेसेंट 17 के साथ इसकी prices का भी comparison करूँ तो प्रेसेंट 17 महंगा है क्योंकि वो जिनाह एवेन्यू पर है, और ये आपको एक अच्छी reasonable price में यहाँ पर possession plot मिल जाता है। अच्छा, चूँकि ये प्रेसेंट बिल्कुल बहरिया के border पर है, जैसे प्रेसेंट 4 भी और प्रेसेंट 6 भी, और इसका एज बिल्कुल बाउंड्री को लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बुरा प्रेसेंट है। ये ज्योग्राफिकली फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ये बहुत अच्छा प्रेसेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको मैप के अंदर मेंशन करूं तो ये ज़रा देखें कि प्रेसेंट 7 के बिल्कुल बॉर्डर से, बाउंड्री से सरकारी एक रोड गुजर रहा है 300 फिट का, और इसी तरह से मैप को स्टडी करें तो जहाँ पर, जहाँ से शुरू होता है एज प्रेसेंट 7 का वहाँ, और जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से 200-150 फिट की रोड्स कंटिन्यूटी मांग रही हैं, मतलब वहाँ पर उनको रोका गया है वक्ती तौर पर। जब भी लेफ्ट पर ये बॉर्डर खुलेगा और ये दीवार गिरेगी और आगे की लॉन्चिंग आएगी तो ये बहुत अच्छा बूस्ट देगा प्रेसेंट 7 को, इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये बाउंड्री का प्रेसेंट नहीं है। और मैप आपको ये बता रहा है, मतलब ऑन ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है, गूगल अर्थ के इमेजेस आपको बता देंगे, इसलिए इसको अच्छे लफ्ज़ों में कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा अभी आपको कंसिडर करना चाहिए बैरियर टाउन में कुछ भी इफ़ यू नीड टू बाय और प्लानिंग टू बाय, क्योंकि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बहुत लंबे एक जमूद के बाद अभी हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, और 28 तारीख को मुझे पहली दफ़ा लग रहा है कि फ़ाइनल वर्डिक्ट आने को है, जो कि पॉजिटिव है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर रहा है बैरियर टाउन की निगोशिएटिंग ऑफ़र को और बैरियर टाउन की निगोशिएशन को,
मुझे लगता है गुड टाइम टू कम इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपको यही चीज़ें जो अभी जो पहले बहुत ज़्यादा महंगी थी और फिर तकरीबन 30-40% नीचे आ गई प्राइसेस, अभी जब दोबारा पॉजिटिविटी आएगी मार्केट में, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, मतलब इस रेट पर नहीं मिलेंगी। इसलिए अब बेहतर है कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग और लिंगर ऑन मत करें, उसको ले लें। ये मेरा एक दोस्ताना मशवरा है जो मुझे लग रहा है, ये कोई मतलब ये कोई प्रडिक्शन नहीं है, ये मार्केट बता रही है। फ़िलहाल मार्केट में डिमांड मौजूद है इस वक्त, मार्केट में पॉजिटिविटी मौजूद है इस वक्त, इसलिए मैं आपको चलते चलते ये बताता हूँ, बता रहा हूँ। यस, भूल गया था मैं, थोड़ा बता रहा हूँ। और बस बाकी आप देखें, इन विजुअल्स को एंजॉय करें। थोड़ा खाकी खाकी है क्योंकि अभी यहाँ आबादी नहीं है, जब तक आबादी नहीं आएगी तब तक इसको ग्रीन भी नहीं करेगा बहरिया, पानी ज़ाया नहीं करेगा बहरिया उससे पहले। पार्क्स को भी ग्रीन तभी करेगा जब यहाँ पर उन पार्क्स को, उस ग्रीनरी को एंजॉय करने वाले कोई मौजूद होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली सिचुएशन नहीं होगी। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू नीड टू बाय और सेल समथिंग, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर मौजूद है, मेरा यूएन नंबर नीचे मौजूद है, मेरा ऑफिस ऑन मेन जिना एवेन्यू, यू कैन कम ओवर। मैं बहरिया टाउन में ही रहता हूँ, तो आप किसी भी वक्त मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एनी एडवाइस यू नीड, मुझे कुछ एडवाइस करना चाहें, कुछ भी। मीनवाइल अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।